सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्मार्ट जुगाड़ टेक का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को BSNL 4G के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों BSNL 4G को लेकर एक अपडेट हमारे समय निकल के है कि अभी BSNL 4G लॉन्च होने में और भी ज़्यादा यहाँ पर लेट हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 4th month का भी लेट जो भी BSNL के यहाँ पर 4G सर्विस लॉन्च होने में हो सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पर अपडेट जो BSNL की तरफ से निकल के आ रहा है कि BSNL 4G लॉन्च होने में 4th month के यहाँ पर डिले जो यहाँ पर हो सकते। तो दोस्तों अभी यहाँ पर BSNL के अंदर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर हो गया है जिसकी वजह से BSNL 4G लॉन्च होने के लिए अभी यहाँ पर 4th month का और भी यहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पर BSNL के अंदर क्या कुछ चीज़ हुआ है इसके बारे में आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एक BSNL का ग्राहक है, आप भी BSNL 4G के लिए वेट कर रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि BSNL के अंदर ऐसा क्या कुछ चीज़ हो गया जिसकी वजह से BSNL 4G आने में और भी यहाँ पर टाइम लगेगा, इसके बारे में आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को डिटेल में यहाँ पर अपडेट बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू लेकर एंड तक देखते रहिए। तो फिर चलिए मैडम इसके आज के इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को BSNL का 4G सर्विस के बारे में बताऊं तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि BSNL ऑल ओवर इंडिया के अंदर उनका 4G सर्विस को अभी तक यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाया, अभी तक उनका फुल 4G सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाया ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और उसी सेम जगह के अंदर भारत के अंदर जितने भी सारे यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, सारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी 2016 साल से उनका 4G सर्विस के यहाँ पर इंडिया के अंदर लॉन्च भी कर दिया और यहाँ पर अभी भी उनका 4G सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। और वहाँ पर BSNL अभी भी 2022 साल के अंदर भी BSNL का 3G 2G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और BSNL 4G को अभी काम जहाँ पर चालू है। दोस्तों इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर अपडेट बताया था कि BSNL उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए अभी BSNL को अभी बहुत ही यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह हो रहा था, क्योंकि BSNL चाहकर भी उनका 4G सर्विस यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर BSNL को परमिशन यहाँ पर नहीं दे रहे थे उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए। उसके बाद BSNL को जब यहाँ पर परमिशन मिला 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए, तब यहाँ पर BSNL को कहा गया था कि BSNL को अगर उनका 4G सर्विस को लॉन्च करना है तो यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से स्पेक्ट्रम वगैरह को लेकर पर टावर का अपग्रेड करना पड़ेगा और 4G सर्विस को यहाँ पर लॉन्च करना पड़ेगा, जो कि BSNL के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर चैलेंजेस था। और उसके बाद BSNL ने अभी टाटा ग्रुप का TCS कंपनी से मिलकर उनका 4G के ऊपर काम कर रहा है और 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए भी काम जहाँ पर कर रहा है। इसके ऊपर मैंने आपका अपडेट यहाँ पर दिया था क्योंकि BSNL के यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बताया दिया गया था कि अगर 4G सर्विस लॉन्च करना है तो मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से लॉन्च करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर आप लॉन्च नहीं कर सकते। किसी भी फॉरेन कंपनी से आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम वगैरह लेकर यहाँ पर टावर का अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से यहाँ पर आपको टावर का अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसके लिए टाटा ग्रुप का TCS कंपनी के साथ मिलकर BSNL उनका 4G के ऊपर यहाँ पर काम जहाँ पर कर रहा है। दोस्तों अभी आप लोगों के ऊपर मैंने अपडेट भी बताया था कि BSNL 4G का जो सक्सेसफुल जो यहाँ पर ट्रायल जो यहाँ पर फरवरी मंथ के अंदर हो गया और फरवरी मंथ से अभी BSNL 4G के ऊपर अभी टाटा ग्रुप का TCS कंपनी जो है और 4G का जो भी यहाँ पर टेस्टिंग हो वहाँ पर कंप्लीट कर लिया फरवरी मंथ के अंदर। और अभी स्पेक्ट्रम परचेस करने के लिए अभी टाटा ग्रुप का TCS कंपनी के ऊपर ऑर्डर भी मिल गया। इसके ऊपर भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि अभी यहाँ पर BSNL का जो 4G सर्विस आएगा इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से BSNL को कहा गया कि टोटल यहाँ पर 112,000 टावर के यहाँ पर लगाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और इसके में इसमें से अभी यहाँ पर 6,000 टावर का जो ऑर्डर जो टाटा ग्रुप का TCS कंपनी के यहाँ पर मिल गया है। ऑलमोस्ट 550 करोड़ रुपये का भी यहाँ पर जो ऑर्डर जो टाटा ग्रुप का TCS कंपनी को मिल गया है BSNL की तरफ से उनका 4G सर्विस को लॉन्च करने के लिए, टावर अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर BSNL का 4G कब आएगा और यहाँ पर BSNL 4G आने के लिए अभी 4 month का यहाँ पर और भी यहाँ पर टाइम क्यों लगेगा और 4th month का और भी यहाँ पर लेट यहाँ पर क्यों होगा इसके बारे में आपको भी अपडेट बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर BSNL की तरफ से अभी जो टावर का यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर टेंडर जहाँ पर दिया गया वो अभी यहाँ पर टोटल 6,000 टावर का अभी यहाँ पर टेंडर दिया गया। आने वाले टाइम के अंदर और भी यहाँ पर टावर का टेंडर दिया जाएगा, अभी फिलहाल यहाँ पर 6,000 टावर का यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर BSNL की तरफ से बताया जाए कि अभी BSNL जो है अभी उनका जितने सारे मेगा सिटीज़ है जो बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं और सिटीज़ के अंदर सबसे पहले 4G सर्विस को प्रोवाइड करेगा और उसके बाद जितने में से यहाँ पर विलेज एरिया के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो केरला सर्कल का भी यहाँ पर नाम आया है जहाँ जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताऊँगा। केरला का 4 बड़े बड़े शहर के अंदर भी BSNL उनका 4G सर्विस के यहाँ पर अभी लॉन्च करेगा। 15 अगस्त के दिन से आपको अभी भारत के अंदर जितने में से बड़े बड़े सिटीज़ है उसके अंदर आपको मिलेगा और केरला का 4 बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर यहाँ पर आपको 4G सर्विस मिलेगा। अगर मैं सिटीज़ का नाम बताऊँ केरला शहर का तो मैं आपको सिटीज़ का नाम भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है अरनाकुलम, तिरुवनंतपुरम, कोजोड़ी एंड
कनौर, ये जो मैंने आपको जो सिटी जो आपका नाम बताया आपके पास साइड में स्क्रीन में भी देख सकते हैं, तो ये सारे बड़े बड़े जो जो सिटीज है, सिटीज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो केरला का ये सारे सिटीज के अंदर फोरी सर्विस यहाँ पर 15 के दिन से आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ भारत के अंदर जितने भी सारे बड़े बड़े जो सिटीज़ है, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले फोरी सर्विस मिलेगा, क्योंकि 6 टावर का भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो टाटा ग्रुप का टेक्सास कंपनी को मिला है वो यहाँ पर बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर मिला है, और केरला के 4 बड़े बड़े शहर के अंदर मिला है। तो सबसे पहले सारे शहर के अंदर यहाँ पर टावर को लगाएगा, और BSNL 4G सर्विस को एक्टिवेट करके यहाँ पर देखेगा कि BSNL का लोगों को रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, लोगों को यहाँ पर BSNL एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं BSNL का 4G सर्विस वो देखेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके उनका 4G सर्विस को यहाँ पर लॉन्च कर देगा। और तो अभी भी यहाँ पर काम जो यहाँ पर चालू है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी BSNL 4G ऑल ओवर इंडिया के अंदर आने के लिए आपको यहाँ पर दिसंबर तक यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। दिसंबर मंथ तक आपको यहाँ पर BSNL का 4G आपको मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो 4 मंथ का भी यहाँ पर डिले जो यहाँ पर भी होने वाला है BSNL 4G के ऊपर, कि BSNL का 4G यहाँ पर जिन लोग यहाँ पर विलेज एरिया के अंदर रहते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आने के लिए यहाँ पर 4 मंथ के यहाँ पर डिले होगा, ठीक है। तो 4 मंथ तक आपके यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर आप शहर के अंदर रहते हैं, बड़े शहर के अंदर रहते हैं तो आपको मिल जाएंगे, और अगर आप विलेज एरिया के अंदर रहते हैं तो आपके यहाँ पर 4 महीने का और यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, तब आपको BSNL का 4G आपको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, यहाँ पर 4G सर्विस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर अपडेट निकल कर आता है BSNL 4G को लेकर, कि BSNL का 4G अभी 4th मंथ का भी डिले जहाँ पर हो सकता है जिन लोग विलेज एरिया के अंदर रहते हैं उनके लिए, ठीक है। और जहाँ पर भी यहाँ पर लॉन्च नहीं होगा तो 4 मंथ के अंदर यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा धीरे धीरे करके। और जैसे इसके साथ साथ यहाँ पर BSNL का 5G के लेकर भी यहाँ पर अपडेट निकल कर कभी BSNL यहाँ पर C.DOT के साथ मिलकर उनका 5G टेस्टिंग को भी यहाँ पर कर रहा है, और BSNL अभी 5G सर्विस को भी यहाँ पर लॉन्च करेगा BSNL का 4G के साथ। और इस बार BSNL का जो 5G सर्विस यहाँ पर BSNL लॉन्च करेगा, और सबसे पहले BSNL का NSA टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर 5G सर्विस का यहाँ पर लॉन्च करेगा, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर 5G सर्विस को लॉन्च करेगा, यानी कि जो टावर होगा वो आपको 4G टावर होगा, और 4G टावर से आपको 4G और 5G दोनों सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा BSNL। और उसके बाद 2023-24 साल के अंदर आपको BSNL का ऐसे टेक्नोलॉजी यानी कि स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी 5G सर्विस आपको मिलेगा, जो कि होगा यहाँ पर BSNL का 4G नेटवर्क वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर 5G रेडी नेटवर्क होगा, फुल तरीके से यहाँ पर 5G रेडी यहाँ पर नेटवर्क के अंदर सबको 5G सर्विस मिलेगा, यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी के अंदर सबको 5G सर्विस मिलेगा। तो इस तरीके के यहाँ पर अपडेट निकल के आता है BSNL का 4G और 5G को लेकर, जो कि मैंने 4 साल से शेयर कर दूँ। तो अगर आप एक BSNL के ग्राहक है तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताना आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, जिसके वजह से आपके एक पर शेयर की वजह से उसको भी ऐसा सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर भी कर देना, और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दे गए नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखना, इस तरीके का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए, टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए।